सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइव क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम स्केड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम स्केड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीबीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश का आपका पेड कोर्स क्लास का पूरा डिटेल में। सो आप सभी का स्वागत है हमारे पीपीआई आर्मी, या आप इसे पीपीआई फैमिली भी कह सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका प्रोनाउन, ठीक है। सो नाउन आपका कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से नोट्स आप लोगों का बन चुका होगा आई गेस। सो अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अब हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। तो प्रोनाउन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और प्रोनाउन के बाद फिर आपको पता ही है क्या स्टार्ट होगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें करना है। सो प्रोनाउन चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रोनाउन क्या है आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं एक बार। सो प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी एक वर्ड जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करे जाने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। और सरल भाषा में किया जाए कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या हो गया आपका, नाउन के बदले प्रयुक्त होता है यानी यूज होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन का सब्स्टिट्यूशन। इसको सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, नाउन सब्स्टिट्यूशन, यानी नाउन का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी नाउन के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट बनता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, उसका जगह पे प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। या थर्ड हम लोग देख सकते हैं, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी नाउन बार बार जब हम लोग यूज करते हैं ना किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में, तो उसकी सुंदरता खराब हो जाती है, यानी भद्दा लगने लगता है एक ही चीज को। तो वो अभी एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा। सो जो थर्ड पॉइंट है उसी का ये एग्जाम्पल है जैसे, ठीक है। तो देखिए, राम इज माय फ्रेंड, ठीक है, राम रीड इन माय क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। तो बार बार राम 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 राम, हे राम, तो बार बार राम को इस्तेमाल करके बार बार लग रहा है कि हम लोग रोबोट की जैसा, राम इज माय फ्रेंड, राम रीड्स इन माय क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। तो इसको बार बार राम को यूज करने से इसका सुंदरता खत्म हो गई वाक्य की, भद्दा लग रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिशन होता है जो नाउन, यानी राम क्या है, नाउन है, ये जो राम है क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो राम 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 है उसको ठीक करेंगे। तो पहला तो देखिए वही चीज है, राम इज माय फ्रेंड, अब राम की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, राम की जगह पे हम लोग ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ही रीड्स इन माय क्लास, ही देख रही है, ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो अब कितना अच्छा बोलने वाला लग रहा है, राम इज माय फ्रेंड, ही रीड्स इन माय क्लास, ही इज एब्सेंट टूडे बिकॉज ही इज इल। तो इसी के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी राम का स्थान क्या लिया, ही, ठीक है। तो प्रोनाउन का बस यही काम है कि जो वाक्यों का भद्दापन है उसे ठीक करना, यानी
सही नहीं लगता वाक्य तो उसी को ठीक करना, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल में हो गया एग्जाम्पल्स। तो ये तीनों पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री, कि अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन, ठीक है। यानी आपका नाउन या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि उसको नाउन का जो रिपीटेशन होता है बार बार यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल राम वाला देखें, उससे बचने के लिए और वाक्य की सुंदरता और भद्दापन को कम करने के लिए हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका बेसिक डिफिनेशन यानी परिभाषा फॉर प्रनाउन। अब हम लोग थोड़ा सा काइंड्स देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग काइंड्स देख सकते हो, 10 प्रकार के आपके हैं, ठीक है। यानी आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पहला क्या है आपका, पहला क्या है आपका देख सकते हैं आप लोग, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा क्या है, एम्फेटेटिक प्रोनाउन। पांचवा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। सातवां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आठवां क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नौवां क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम दसवां और आखिरी क्या है मेरे प्यारे शिष्यों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये 10 तरह का प्रोनाउन है जेका पढ़े के है, हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे 10 टाइप का प्रोनाउन, वो भी डिटेल में। तो पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें 10 का 10 प्रोनाउन और नियम के साथ। जैसे नाउन में नियम, 10 नियम पढ़े, फिर उसके बाद तीन चीज़ हम लोग पढ़े वहाँ पे, वो चीज़ हम लोग डिटेल में फिर आगे करेंगे। एक बार मैं आपको बस याद दिला देता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे नियम खत्म करने के बाद नाउन में, आपका पोजेसिव केस याद होगा आपको, पोजेसिव केस पढ़े थे। फिर उसके बाद नंबर नाउन पढ़े थे और जेंडर वाला पढ़े थे। तो ये तीनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जेंडर नाउन और नंबर वाला, ये तीनों चीज़ को हम लोग एक आगे चल के सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बस थोड़ा थोड़ा बेसिक डिटेल आपको दे दिए जितना ज़रूरी है फॉर पैरामेडिकल। लेकिन जिन्हें को एक्स्ट्रा नॉलेज यानी और अच्छे से डिटेल डेप्थ में पूरा घुस जाना है, तो उस चैप्टर को बाद में अभी लेंगे, क्योंकि उतना ही काफ़ी था जितना मैंने नाउन के लिए आपको बताया लास्ट में, तीनों नाउन, नंबर, नाउन जेंडर और नाउन का जो पोजेसिव केस रहता है, ठीक है। तो ये तीनों पे एक सेपरेट 3 चैप्टर बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी उसको वह नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उतना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, फॉर पैरामेडिकल उतना ही सफिशियंट है जितना मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी डेप्थ में हम लोग चलेंगे जब अगर टाइम बचा तब, ठीक है। तो ये 3 केस याद रखिएगा, इस पे 3 चैप्टर जो लास्ट का 10वां नियम के बाद जो बताए हैं उस पे एक एक चैप्टर सेपरेट बन सकता है, ठीक है। तो वो अभी बाद में करेंगे, तो उसको ज़्यादा नेसेसरी मत लीजिएगा, लेकिन आगे चल के हम डिटेल में प्रयास करेंगे कि करा दें, ठीक है। सो ये था आपका पूरा नाउन, और 10 तरह के प्रकार के आपके नाउन, पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इन्फेक्टेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब एक टेबल है जो कि आपको अभी पूरा नहीं समझ में आएगा। ये जो पर्सन है, पर्सन पे एक अलग से एक चैप्टर होगा, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन दिख रहा है आपको, सेकेंड पर्सन दिख रहा है, थर्ड पर्सन दिख रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन हम हो गए, सेकेंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है। यानी फिर से फर्स्ट पर्सन मैं, ठीक है, आई, जिसके बारे में बात हो रहा है, जिससे बात हो रहा है यू हो गया, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आना नहीं चाहिए, तो वे वही हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, बीच में कोई नो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आता है तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही खेल है कि आपको हर केस में, यानी फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट, अगर आगे ये चीज़ बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिस जो आपका इसका प्रॉपर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अभी टेबल लिख लीजिए, हम लोग डिटेल में इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव तो आगे करेंगे ही। ये जो आपका है ना, ये तीनों हम लोग आगे करेंगे। ये तो अभी ही होगा प्रोनाउंस में ही, पोजेसिव प्रोनाउंस में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है पोजेसिव प्रोनाउंस, आगे होगा। बाकी ये तीनों चीज़ हम लोग डिटेल में करेंगे। तो सब्जेक्ट यानी आपका जो काम कर रहा है, डूअर, ऑब्जेक्ट जिस पे काम का फल जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, फर्स्ट पर्सन में। फिर वी का क्या बनता है, अस, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पोजेसिव यानी जो बताए थे, ओनरशिप अपना दिखाना, तो क्या बन जाएगा, माई, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या बन जाएगा, माइन।
फिर आपका यही आवर बन जाएगा और पोजेसिव प्रोनाउन में आवर्स बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव में योर, ठीक है, और पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स, एस जुट जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी एस जुट जाता है। और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ठीक है, सब्जेक्ट में वही चीज ऑब्जेक्ट में बदल गया, तो हिम हर इट दे, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद करना होगा, ठीक है। और पोजेसिव एडजेक्टिव में हिज हर इट्स देयर, यानी ये चीज कन्वर्ट इस चीज में हो रहा है, ठीक है, सी हर में हो रहा है, इसमें भी हर रह रहा है, इसमें भी हर रह रहा है, इट इट में ही रह रहा है, इट्स हो जा रहा है, और इसका कोई चेंज नहीं होता, इसलिए क्रॉस लगाओ, नो चेंजेस, ठीक है। दे आपका दे में ही रहेगा, इसमें देयर बन जाएगा, इसमें देयर्स बन जाएगा, इसमें ज्यादातर में आप देख रहे हो कि एस जुट जा रहा है, ठीक है, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, पोजेसिव प्रोनाउन में क्यों एस जुटता है। और ये टेबल बहुत वीवीआई है, टेबल अच्छे से याद रखिएगा, और एक बारी में नहीं समझ में आएगा टेबल, सब्जेक्ट समझना होगा, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये जब सब समझ जाएंगे ना, तब ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी आपको रिमेम्बरिंग पोपट नहीं बनना रिपू के जैसे याद करना है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। एक बार टेबल बस लिख लीजिएगा कि आपका ये चीज ऑब्जेक्ट में ऐसे चेंज होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव में ऐसे चेंज होगा, और पोजेसिव प्रोनाउन में ऐसे चेंज होगा, यानी आई ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, पोजेसिव में माई हो जाएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा। तो ये चीज आपको बस याद रखना है अभी टेबल, ठीक है, कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कारण आगे हम लोग समझेंगे, और एक बार में नहीं आएगा, दो तीन बार याद करना होगा, ठीक है। और पर्सन तो हम अच्छे से आपको समझाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे सब करेंगे, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन का पहला, पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे करके हमें पूरा 10 का 10 देखना है विथ रूल्स। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो सकता है, नाउन जितना ही बड़ा रहेगा, लेकिन ये जो चल रहा है ना, जो पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से कर लिया, उसका सब चीज़ अच्छा से हो जाएगा, जो बेसिक मजबूत कर लेंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। तो बेसिक पे एकदम मजबूती से करना है काम, ठीक है, तो बेसिक पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आपका ये सारा हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिक अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और करेंगे हम लोग आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग करते हैं आपका पर्सनल प्रोनाउन, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हम लोग जानते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका कि पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी फर्स्ट आपका टाइप जो पर्सनल प्रोनाउन का रहता है, तो वो देखते हैं यानी पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू persons, ठीक है। आपको इससे पहले मैंने persons के बारे में बोला था कि डिटेल में बताऊंगा, तो यहीं पे वो डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्थ समझिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू person, ठीक है। सो person क्या होता है, तो person आपका सबसे पहले क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, जो कि आपको मैंने एक टेबल जो यहीं पे बताया था, वही टेबल को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम लोग, ठीक है, हम। सेकेंड पर्सन जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं आपका थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन आपका क्या हो गया, आई एंड वी। दूसरा आपका हो गया सेकेंड पर्सन, यू। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है, ही सी इट दे, ठीक है। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू जिससे बात हो रहा है, थर्ड जिसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का मतलब यही है, रिलेटिंग टू पर्सन, यानी पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का हम लोग यहाँ पर करते हैं बात, ठीक है। उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। सो आपका एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, तो एग्जाम्पल्स आपका आई, वी, जो कि फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है, फर्स्ट। आपका यू क्या हो गया, आपका सेकेंड पर्सन का एग्जाम्पल है, बाकी ही सी इट दे ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो सब्जेक्ट जो कर रहा है काम, डूअर, ठीक है, और जिसपे इफेक्ट हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई आपका चेंज हो जाएगा मी में, जब ऑब्जेक्ट में अगर बात करेंगे तो आई बदल जाएगा मी में, ठीक है। वी बदल जाएगा अस में, ही बदल जाएगा हिम में, सी बदल जाएगा हर में, इट बदल जाएगा इट में ही, दे बदल जाएगा देम में, ठीक है।
सो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई, ये आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। टीचर्स हर, हर क्या हो जाएगा आपका, हर क्या हो जाएगा बताइए, हर हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से क्या होगा हर, सेकंड पर्सन आई टीचर्स हर, ठीक है। सो ये आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। हर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। लास्ट में भी आपको मैंने यही बताया था कि हर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। किस प्रकार से करना है, थर्ड, क्यों, क्योंकि यहां पे शी है, शी को क्या बदलना है, हर में, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन कर रहा है आई टीचर्स हर, ठीक। अब यहाँ पे देखते भी चलना है कि आपका सही मैंने लिखा है कि नहीं, तो ये करेक्ट सेंटेंस है तो इसको करेक्ट हम लोग कर देंगे। साथ साथ ये भी देखते चलना है कि सेंटेंस आपको करेक्ट है कि नहीं, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए मी टीचेस यू, ठीक है, मी टीचेस यू, क्या ये करेक्ट है बताइएगा जरा, क्या ये करेक्ट आपको लग रहा है। मैं प्रैक्टिस भी कुछ कुछ कराते चल रहा हूँ इसके साथ, जल्दी बता दीजिए। नहीं, ये मी कैसे हो सकता है, मी टीचेस यू हो सकता है, मी कब यूज करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट में है, लेकिन यहाँ तो बात कर रहे हैं हम सब्जेक्ट, यानी ये क्या बदल जाएगा बताइए, जल्दी बताइए, मी को आई में वापस बदल दीजिए, तो आई टीचेस यू, अब ये ग्रामेटिकली सही है, तो ये अब आपका जाके सही हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में मैं हूं, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया और ये आपका सेकेंड पर्सन, मतलब आई टीचेस यू, ठीक है, डायरेक्टली बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन से, यानी मैं तो आपको पढ़ाता हूं, आई टीचर्स यू, जैसे आई टीच यू, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब देखते हैं थर्ड आपका एग्जांपल, सी लाइक्स देम, अब ये बताइए सही है कि गलत है, जल्दी बता दीजिए, सी लाइक्स देम, तो ये सी क्या हो गया आपका, जल्दी बता दीजिए, थर्ड पर्सन हो गया। देम क्या हो गया, ये भी आपका थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, दे और सी का, तो ये आपका सही है, सी लाइक्स देम, ठीक है। अब आगे मी हेट्स सी, क्या ये सही है, मी हेट्स सी, बता दीजिए जल्दी, चलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मी हेट्स सी, बता दीजिए सही है कि गलत है, जल्दी बता दीजिए। सो मी हेट्स सी गलत है, अब इसको सही कीजिए, कैसे सही होगा जल्दी बताइए, मी हेट्स सी, तो यहाँ पे मी ये गलत है, क्या होगा, आई हेट, क्या हो जाएगा, आई हेट यू कि आई हेट्स यू, बताइए जल्दी, तो आई हेट यू हो जाएगा, ठीक है, आई हेट यू, वैसे ही आई हेट हर, ये भी सही है, आई नो हर, ये भी आपका सही है, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है इसे, ठीक है। और ये पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी और विस्तार से करेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है, विस्तार से करेंगे, अभी रिविजन करते चलना है, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्लो स्लो चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आएगा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को फिर से, इसलिए ये आपको लेक्चर्स बनाया गया है, और यहाँ पे यही चीज़ आपको एग्ज़ाम जब आप दोगे ना तो यही चीज़ आपको लास्ट में समझ में आएगी कि लाइव क्लासेस से ज़्यादा ये वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों बेस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़े। तो पर्सनल प्रोनाउंस में हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पे पर्सनल का अर्थ है रिलेट करना पर्सन से। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड में आता है यू, थर्ड में आता है ही शी इट दे। फर्स्ट मतलब हम लोग, जिससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन, ठीक है। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, तो आई को बदलेंगे मी में, वी को बदलेंगे अस में, ही को बदलेंगे हिम में, शी को बदलेंगे हर में, और इट को बदलेंगे इट में ही रहने देंगे, दे को देम में। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब दूसरा प्रोनाउन देखते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। इन दिस आपको क्या बोला गया है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोजेशन, जैसे आपको मैंने बताया था ना पोजेसिव केस नाउन में, तो पोजेशन यानी ओनरशिप, अधिकार अपना दिखाने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज, देयर, ठीक है। सो ये आपका सब क्या हो गया, पोजेसिव, क्या हो गया, ये सब आपका पोजेसिव में चला गया, तो ये पोजेशन दिखा रहा है इसलिए आपका पोजेशन प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सबका हिंदी लिख रखा है, माइन का मतलब मेरा,
आवर्स का मतलब हमारा, योर्स का मतलब तुम्हारा, हर्स मतलब उसकी, हिज मतलब उसका, देयर मतलब उन लोगों का, ठीक है। तो हिंदी भी जरूर लिखिएगा, इससे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट मैंने कहा था आपको कि मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा डिटेल में, तो डिटेल में अभी देख लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और आपका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लेंगे, फिर आपका ये जो तीनों नोट है यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। सो आपका जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव सीधे आपका नाउन से पहले आता है, एग्जाम्पल एक देख लीजिए, नाउन से पहले आता है, जैसे दिस इज माई बुक, यहां बुक क्या है आपका नाउन है, और ये माई क्या है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। यानी जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ना आपका क्या आता है कि नाउन से पहले आता है, ठीक है, और नाउन से पहले आता है ये वर्ड, लेकिन ये तो है माई क्या है, माई आपका प्रोनाउन के जैसा काम करता है, लेकिन ये आपका जस्ट नाउन से पहले आता है, ठीक है। तो ये आपका नाउन से पहले यूज होता है और ये आपका बुक में अपना एडजेक्टिव ऐड कर रहा है, ठीक है। किसका बुक है, तो मेरा बुक है, तो इस वजह से इसको पोजेसिव एडजेक्टिव, और बुक किसका है तो मेरा है, अधिकार दिखा रहा है किसके ऊपर, नाउन के ऊपर, किसका बुक तो मेरा बुक। तो ये ऐसा आपको हमेशा नाउन से पहले आएगा, जितना भी ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव है सब ये आपका नाउन से पहले आएगा, एक्सेप्ट हिज, हिज एक एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, हिज आपका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि आपको थर्ड पॉइंट में मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो हिज छोड़ के बाकी सब आपका ये नाउन से जस्ट पहले आएगा और अधिकार दिखाने में मदद करेगा, यानी पोजेशन, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग पोजेसिव एग्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये वर्ड्स आपके पोजेसिव एग्जेक्टिव में हो गए। तो वो वर्ड्स क्या है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो इसको पोजेसिव प्रोनाउन जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और आगे एग्जेक्टिव में भी हम लोग ये पढ़ेंगे, आगे जब एग्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां पर भी यहाँ ये चीज पढ़ेंगे, तो ये सारे इंटरलिंक्ड है आपके, ठीक है। तो ये माई चेंज होगा किस चीज में, माइन में, ठीक है। आवर चेंज होगा आवर्स में, योर्स चेंज होगा योर्स में, एस देखिए जुड़ रहा बहुत सारे में, हिज हिज में ही रहेगा, हर हर्स में हो जाएगा, एस जुट गया, इट्स का कोई नहीं है आपका प्रोजेसिव प्रोनाउन, और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स, ठीक है। तो ये टेबल जरूर याद रखिएगा, और ये टेबल दोनों वीवीआई टेबल है जो कि मैंने आपको जस्ट इससे पहले ही लिखवा रखा है, फिर भी आप अलग से इसे याद रखिएगा, ठीक है। सो आपको यहां तक क्लियर हो गया कि पोजेशन प्रोनाउन क्या है, अधिकार दिखाता है, और ये दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देख सकते हो सेम चीज है, माई माइन में बदल रहा है, बस यहाँ आपका पहले यूज होता है नाउन से, अब पोजेशन प्रोनाउन देखेंगे कि कब यूज होता है, फिर ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव जो आगे भी पढ़ना होगा आपको एडजेक्टिव में, और पोजेसिव प्रोनाउन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो सबसे नोट वन देख लीजिए क्या कहता है, कि पोजेशन प्रोनाउन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आपका एंड ऑफ द सेंटेंस में। तो ये आपको समझ में आ गया, दो पॉइंट्स क्लियर हो गया यहां से। यहां मैंने कहा कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव में ये आपका नाउन से जस्ट पहले यूज होके वहां पे एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सेंटेंस के वाक्य के एंड में, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, स्टार मार्क कर लीजिएगा ऐसे डब्बा बना के, ये स्टार मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजेसिव प्रोनाउन का, कि ये वाक्य के अंत में ही इस्तेमाल किया जाता है तब उसको हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे, यानी एंड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, तो अब देखिए माइन आपको यहाँ पे माइन दिख रहा होगा, ठीक है, तो दिस बुक इज माइन, और यहाँ पे देखिए दिस इज माई बुक, तो यह आपको यहाँ फर्स्ट केस में ये क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा केस में क्या है ये पोजेसिव प्रोनाउन पीपी, पीए का मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव, और आपका पीपी का मतलब क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, तो एंड में यूज हो रहा है, तो ये क्या बन गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन, दिस बुक इज माइन, ठीक है। और जब हमको पोजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देना है, दिस इज माई बुक, यानी नाउन से जस्ट पहले, बुक क्या है आपका नाउन है, तो ये आपका हो गया दैट बुक इज योर्स, तो योर्स आप देख सकते हो योर का आपका योर्स हो जाता है लास्ट में, तो योर्स हो गया दिस बुक इज योर्स, ठीक है।
तो ये भी क्या हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन लास्ट का एंड में, तो एंड में यही तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि एंड में होगा पोजेसिव प्रोनाउन। दिस साड़ी इज हर्स, तो हर्स क्या है लास्ट में है, तो ये भी आपका क्या हो गया पीपी पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंशिएट करना है। सबको क्लियर है? नहीं होगा एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, लेकिन पॉइंट्स बहुत इजीली मैंने लिखे। सबसे पहले ये हो गया। अब पॉइंट टू, पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इज यूज इन द बिगिनिंग, या तो शुरू में ही इस्तेमाल हो जाएगा या मिडिल में, एंड में नहीं होगा। तब वो एंड में होगा तो वो हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो एग्जांपल्स यही हो गया, दिस इज माय बुक। ठीक है, ये हो जाएगा। सो ये आपका सेकंड पॉइंट को जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है एंड में नहीं इस्तेमाल होगा, नहीं तो शुरू में, नहीं तो मिडिल में, एंड में नहीं होगा। एंड में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, सो ये आपका सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर है, इंपॉर्टेंट। अब एक्स्ट्रा पॉइंट में मैंने एक्सेप्शन बोला था कि हिज, हिज जो है आपका वो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बस अंतर समझिएगा, शुरू में ही पार्ट ऑफ स्पीच में बोला हूँ, बस वाक्य देख के हम लोग बताते हैं कि वो क्या चीज है पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, बिना देखे वाक्य में क्या रूप से प्रयोग किया गया है हम लोग नहीं बता सकते, सेम वर्ड अलग अलग मीनिंग दे सकता है। ठीक है, तो वो आपको वाक्य में देखना होगा कि क्या कार्य कर रहा है वो शब्द, तभी आप बता पाओगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव का अलग केस हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन वाला भी। अब एक्स्ट्रा पॉइंट, हिज एक ऐसा शब्द है जो पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, यानी दोनों है। क्या है? दोनों है। ठीक है, तो जैसे दिस कार इज हिज कार, दिस इज हिज कार। ठीक है, ये जो हिज है क्या है? यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, और दिस कार इज हिज, दो सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, दिस इज हिज कार यानी पोजेसिव एडजेक्टिव, और दिस कार इज हिज यानी पोजेसिव प्रोनाउन। अब अंतर क्या, पॉइंट वन देखो, पॉइंट टू देखो। पॉइंट वन में क्या था कि आपका एंड में होगा, तो एंड में हिज है। ठीक है, तो एंड में हिज है तो क्या बन गया वो, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या बोला था कि बिगिनिंग में होगा नहीं तो मिडिल में होगा, तो ये आपका जस्ट कार से पहले है, नाउन से पहले है, तो ये क्या बन गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। कैसे? दिस इज हिज कार, उसकी कार है। ठीक है, और दिस कार इज हिज यानी यहाँ पे ये प्रोनाउन, हिज क्या, प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, किसी पर्सन के बारे में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन जब यहाँ हिज आ जा रहा है, हिज कार, तो यहाँ पे किसी चीज की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए वो एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। कैसा एडजेक्टिव, तो अधिकार दिखाने वाला, तो क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। और जब हम लोग बोलते हैं दिस कार इज हिज, तो हम लोग किसी और को बोले हाँ वे कार है उसका है। ठीक है, तो उसमें भी हम पोजेशन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और दूसरा आपका पोजेसिव प्रोनाउन का कर रहा है। तो बात समझने वाली ये है। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस दिस इज हिज कार, तो ये हम लोग कार का, किसी का हम लोग कार है उसका हम लोग बता रहे हैं कि उसका कार है, हिज का है। ठीक है, तो हिज आपका यहाँ पे क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं दिस कार इज हिज, तो किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो कार उसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस माइन्यूट सा अंतर है, देखिए आगे और पीछे लगने की वजह से कितना चेंजेस आ जाता है। तो ये क्रिस्टल क्रिस्टल बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कैसे नहीं समझ में आएगा। तो बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे लोग? ठीक है, तो बच्चों सही से ध्यान से समझना, सब आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं पर्सनल, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन का, कि अ नाउन इज ऑलवेज आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, यानी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका एक नाउन हमेशा रहेगा आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। कब हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, कोई नाउन रहेगा तब ना। तो ये पॉइंट देख सकते हो, ये नाउन है और इसके पहले आपका क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज माय बुक, ये नाउन है आपका, किसका बुक है, तो मेरा। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है। तो मोटा मोटी हम लोग तीनों पॉइंट समझ लिए और आपका पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों समझ गए। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 सब आपको समझ में आ गया होगा, हिज का भी समझ में आ गया होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन दोनों, और आपका पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्लियर हो गया। अब समझ में आया डिटेल वर्क किसे कहते हैं, वाई पी पी आई ट्यूटोरियल इज द बेस्ट।
आपको इसी तरह से सारा डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग मेहनत कीजिए, शॉर्टकट नहीं मारना है, और ये बात हम आपको एग्जाम तक समझाते चलेंगे। जो शॉर्टकट मार रहा है यानी जो चाह रहा है कि वर्क ना करें, जस्ट आपको पीडीएफ मिलेगा बैठ के आप खुद कॉपी पेस्ट करो, उसको वो भी ना करो, खाली पीडीएफ रख लो, तो बाबू लोग एग्जाम ऐसे ना निकली, सत्य बोल रहे हैं, कड़वा लगेगा। अगर एग्जाम निकालना है तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, खुद का नोट्स बनाना होगा। अगर आप लोग वेट करते हो कि मैं नोट्स भेजूंगा आप फिर कॉपी करोगे, तो उससे आपको नहीं कुछ होने वाला, आपको खुद का नोट्स खुद से बनाना है। अब इतना समझा दिया, अब खुद भी वर्क कीजिए, और आपको बना बनाया हुआ पकवान खाना है तो बना बनाया हुआ ही मार्क्स आएगा, मेहनत नहीं करोगे नहीं आएगा, करोगे रिजल्ट मिलेगा, और सोल्जर्स के जैसा वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे अभी शॉर्टकट मार रहे हैं, खासकर बॉयज़ बहुत शॉर्टकट मार रहे हैं, ना वो प्रीवियस ईयर का अभी तक नोट्स बनाए हैं, जस्ट टाइम पास करते हैं। तो टाइम पास करने आए हो तो अच्छी बात है कीजिए, हमको जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं बस उनसे मतलब है। तो पेड कोर्स में आए हो तो कुछ पढ़ लो, मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए तो आई क्या बोले अब हम, तो अभी से भी टाइम है, प्रीवियस ईयर फिर से बनाना शुरू कीजिए जो शॉर्टकट्स मारे हैं। और बहुत लोग शॉर्टकट मारे हैं, और कौन शॉर्टकट मारते हैं मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है, सीधे पूछने भी नहीं पड़ता, हम समझ जाते हैं कौन शॉर्टकट मार रहा है। तो समझाएंगे, आपके गुरु हैं तो समझाते ही चलेंगे, तो समझ जाइए अभी भी, फिर बाद में ना कहना कि ना समझाए थे, और हम समझाते चलेंगे ये चीज़ आपको एंड तक, ठीक है। मेहनत कीजिए अभी से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस। अभी से ही बेस्ट बेस्ट बोल रहे हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।